कोरोना, जिसको एक बियर की ब्रांड के फॉर्म में जाना जाता था, लेकिन अब यह शब्द पूरी दुनिया में एक वायरस को लेकर चर्चा में है। कोरोना एक रहस्यमय वायरस है, जितनी तेजी से ये फैल रहा है बहुत घातक हो सकता है भारत और दुनिया के लिए। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, जनवरी 27, चाइना में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की इस वायरस की चपेट में आने की आशंका है। चाइना के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ ये, और अभी चाइना के पड़ोसी देश वियतनाम से लेकर सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और नेपाल तक फैल चुका है। इन देशों में जिन भी नागरिकों में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, सब लोगों ने चाइना में ट्रैवल किया था। तो इंडिया के लिए चाइना का पड़ोसी देश होने के साथ साथ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। क्या है कोरोना वायरस, पैदा कहाँ से हुआ, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इसे बचाव किया जा सकता है, इन्हीं सब पॉइंटर्स पे जानकारी शेयर करूंगी मैं आज इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। लास्ट वीक जब मुझे इस वायरस के बारे में पता चला और YouTube पे सर्च किया, तो देखा कि अभी तक इंडिया में, खासकर हिंदी में, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो सोचा क्यों ना मैं इस पे चर्चा करके, जानकारी इकट्ठी करके आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। कोरोना वायरस क्या है और ये कितना घातक है? जब लूनर न्यू ईयर को चाइना सेलिब्रेट करने लगी हुई थी, तब WHO ने जानकारी दी, चाइना में एक शहर वुहान में कोरोना वायरस नाम का एक रहस्यमय डेडली वायरस फैल गया है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये वायरस एनिमल से ह्यूमन में आया है। अभी तक की स्टडी से जो नज़र आया है, चाइना में चमगादड़ का सूप या फिर स्नेक जैसे अजीबोगरीब जानवरों को खाया जाता है, तो ये इस तरीके से जानवरों से इंसान में ट्रांसमिट हुआ है और अभी तक ये इनक्योरेबल है। जी हाँ, अभी तक इस वायरस का कोई एंटीडॉट या वैक्सीनेशन नहीं ढूंढा गया है, इसका इलाज नहीं है। हालांकि इनिशियल स्टेज पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये वायरस ज़्यादा घातक इसलिए है, इस बीमारी के सिम्टम्स दिखने से पहले ही इन्फेक्शन फैल जाता है। साइंटिस्ट ने इस वायरस को SARS और MERS जैसे जानलेवा वायरसेस की फैमिली में रखा है। अगर आपको याद हो, SARS वायरस 2002 या 2003 में न्यूज़ में आया था और जो 37 देशों तक फैल गया था और 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। अब देख लेते हैं क्या है इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, जैसे कि खांसी, जुखाम या फिर निमोनिया में जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस में पाए गए हैं। इसके साथ साथ रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, कफ, सांस लेने में दिक्कत होना इनिशियल स्टेजेस के सिम्टम है। स्टेज 3 से 4 में किडनी या हार्ट फेलियर की वजह से डेथ तक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं पाया गया है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है पिछले 15 से 20 दिनों में और खासकर अफेक्टेड कंट्रीज़ में, और अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए, हल्के में ना लें। अब ये देख लेते हैं हमारी भारत सरकार कोरोना वायरस को लेकर क्या कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है ताकि ये वायरस इंडिया में ना घुस पाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत चाइना से आने वाले भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट्स, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद पे आने वाले हर पैसेंजर का मेडिकल एग्जाम यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको एयरपोर्ट से ही आइसोलेशन में रख के उसका इलाज किया जाए, ताकि ये वायरस इंडिया में ना घुस पाए। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए 2 दिन पहले रिसर्च स्टार्ट की थी, इंडिया में तब एक भी सस्पेक्टेड केस नहीं था और लास्ट 2 दिनों में ही 6 लोगों में इसके सिम्टम्स पाए गए हैं और वो सभी अभी चाइना से ट्रैवल करके आए हैं। दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, बट सिम्टम्स मैच करने की वजह से उनको सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, ये 6 नंबर को आप कम ना माने, क्योंकि ये फैलता बहुत तेज़ी से है और इनिशियल स्टेज पे जैसे बताया खांसी जुखाम सा ही लगता है, बट इंडिया में आप सोचो कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, फैमिली, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये इंडिया में आया तो बहुत तेज़ी से इसका नंबर बढ़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कोरोना वायरस से अपना बचाव कैसे करें। इंटरनेशनल ट्रैवल में चाइना जाने से बचें। अगर आपकी फ्लाइट का स्टॉपओवर है तो ट्राई करें कि दूसरे रूट के थ्रू फ्लाइट बुक करवा लें। अगर आप कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते टाइम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। नॉर्मल मास्क इस वायरस को फिल्टर नहीं कर पाता,
तो N95 या फिर N99 नंबर मास्क यूज़ करें। ये आपको 100 से 150 रुपये तक केमिस्ट की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। बाहर की कंट्री से इम्पोर्टेड मीट कुछ टाइम तक बंद कर दें या फिर परहेज करें। और अगर आपको खाना ही है तो रॉ मीट ना खाएं, उसे अच्छे से पका के खाएं। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो जो भी ध्यान आप खांसी जुखाम में रखते हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम हाथ धोना, खांसते हुए मुंह पे रुमाल रखना, वही सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि सभी देश चाइना में आने से इतने कतरा रहे हैं इस टाइम के, सभी इंटरनेशनल इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट जो कि चाइना में होने वाला था, उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया और अब वो जॉर्डन में हो रहा है। अब बात करते हैं इसके इलाज को लेकर। जैसे मैंने बताया, इसके लिए कोई एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। बॉडी वायरस में कितना फैल चुका है, वायरस से बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट है। लास्ट में दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि आप अवेयर रहें, न्यूज़ देख के या फिर गूगल करके पता लगा लें कि इंडिया में क्या स्टेटस है इस बीमारी का। बट ऐसा सोच के कि ये तो अभी बाहर के देशों की बीमारी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, अवेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके इस वायरस के बारे में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें और देखते रहें आशिमास किचन। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखना, उन्हें ढेर सारा प्यार करना।